फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे और मस्त रहने के लिए चाहिए एक मस्त मस्त खाना। तो चलिए, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही मस्त है, क्योंकि वो बिल्कुल नई रेसिपी है वही पुराने इंग्रेडिएंट लेकिन बनेगी एक नई रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपका जो मेन ट्विस्ट है वो मिस हो गया, फिर आपकी रेसिपी नहीं बन पाएगी जैसा कि मैंने उसमें ट्विस्ट दिया है। तो पुरानी रेसिपी को मैंने बनाया है नया, रिश्ता वही सोच नहीं, तो वैसे ही मैंने कुछ इसको बना के तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स जो मेरे पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो यूनिक फूड्स की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो चलिए एक नई रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाते हैं हम एक बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप इन पत्तों को तो पहचान ही रहे होंगे, ये हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये हैं अरवी के पत्ते, जिनकी पकौड़ी बनती है और सब्जी भी बनती है पकौड़ी बना के। कई तरीके से हम इनकी रेसिपी बनाते हैं, पर आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल ही नई रेसिपी है, इससे पहले आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, मेरी गारंटी है। तो बस पहले मैं इन पत्तों को वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद हम करेंगे इसका अगला स्टेप डन। तो सारे पत्तों को मैंने वॉश कर लिया है, ये 10 से 12 पत्ते हैं मीडियम साइज़ के। तो इन सारे पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इनको सुखाने की ज़रूरत नहीं। फिर इनकी जो छोटी डंडियाँ बची हुई हैं इनको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि इसका इनमें कोई काम नहीं है। और इसके बाद इनको हम ऐसे रख के लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये लच्छू की तरह निकलेगा, जैसे नूडल्स होता है उस तरह से ये लंबा लंबा आपको कट के मिल जाएगा। एंड तक बने रहे मेरी रेसिपी में, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप बना सकें बिल्कुल नया नाश्ता, जो ना कभी पहले देखा होगा ना कभी खाया होगा। तो मेरे सारे पत्ते अच्छे से कट चुके हैं, देखिए ये बिल्कुल लंबे लंबे ऐसे नूडल्स के तरह से कटे हुए हैं। अब ले चलते हैं इनको, हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉल में। तो सारे पत्तों को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और थोड़े मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास खटाई है तो आप खटाई डालेंगे या आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाला है और बिना पानी डाले इनको आपस में अच्छे से बाइंड कर लेना है, एक बहुत ही अच्छा डो तैयार कर लेना है। और पानी बिना डाले ही इसका डो तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब नमक जाता है इसमें तो पत्तों का पानी छूटता है, फिर हमने थोड़ा सा जो पेस्ट डाला था उसमें थोड़ा सा पानी था तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक प्याज को स्लाइस करके ले लिया, इसमें थोड़े से चटपटे मसाले मिक्स कर दिए हैं, प्याज, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला। नमक नहीं डाला है मैंने इसमें, नहीं तो प्याज हमारा पानी छोड़ने लगता है। और इसके बाद हमने अपने डो को एक प्लेटफॉर्म पे ले लिया है, लंबे हिस्से में लिया है, जैसे हॉट डॉग होता है उस शेप में मैंने इसको बना लिया है। और हॉट डॉग की तरह ही इसको हमने बीच में कट कर लिया है और अपने स्लाइस्ड स्पाइस ऑनियन को हम इसमें अच्छे से भर देंगे। ये थोड़ा लंबा है, मेरा जो स्टीमर है जिसमें मैं इसको स्टीम करने वाली हूँ वो थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर ले रही हूँ। अगर आपका स्टीमर का स्पेस ज़्यादा है तो आप इसको 1 टाइम में ऐसे स्टीम कर सकते हैं। तो मैं इनको छोटे छोटे डो हॉट डॉग के शेप में तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए, ये देखने में ही इतने अलग और टेम्पटिंग लग रहे हैं, ये बनने के बाद तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रेसिपी। तो मैंने स्टीमर में पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। अब ट्रे में मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग कर लेती हूँ, ताकि हमारा जो ये हॉट डॉग है वो इसमें चिपके नहीं। तो बस मैंने उसमें प्लेस कर दिया है और स्टीमर में मैं जाली लगा के और इसको उसमें रख देती हूँ। 5 से 7 मिनट के लिए ये हाई फ्लेम पे स्टीम होगा और उसके बाद हम इसमें करेंगे एक और ट्विस्ट। तो देखिए, मेरी रेसिपी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट होते जा रहे हैं, तो ये बन रही है ना बिल्कुल यूनिक रेसिपी।
तो बस बने रहें वीडियो में एंड तक। लास्ट में आपको बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी बनके मिलने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, रेसिपी अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैंने 2 चम्मच बेसन की एक बहुत मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बना ली है और इन टुकड़ों को मैंने कट कर लिया है जो मैंने हॉट डॉग शेप में बॉयल किया था। और एक पैन में बहुत थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल लेते हैं और अपनी बेसन की स्लरी में हम एक साइड से इसको डिप करेंगे और फिर इसमें करेंगे हम सैलो फ्राई। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है और लगभग सभी के घरों में सभी को पसंद भी होता है। शायद ही कोई होगा जिसको ये नाश्ता पसंद नहीं आएगा। अरबी के पत्ते की पकौड़ी, रिकवच और सब्जी, कढ़ी सभी लोग खाते हैं, पर ये जो आज मैंने बनाया है ये अरबी के पत्ते का हॉट डॉग है और इसको आप बना के ज़रूर खाएं। जहाँ मैंने प्याज स्टफ किया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद की कोई और फिलिंग भी स्टफ कर सकते हैं, जैसे आलू की फिलिंग, पनीर की फिलिंग या फिर चाइनीज़ मटेरियल की फिलिंग। तो देखिए, रेडी हो चुका है हमारा ये नाश्ता। इसको आप सॉस, चटनी, चाय, कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल पे बने रहें। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।